तो गाइज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 15 to 18 यानी 15 से 18 साल के स्टूडेंट हैं और जो अदर बच्चे हैं जो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए जो सर्कुलर आया हुआ है वैक्सीन लगवाने के लिए, और ये प्रोसेस क्या है, किस लिए ये सर्कुलर बनाया गया है, इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो ये रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन में कर सकते हो, बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना ताकि एक ही बार में सारा प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले करना है कि आपको अपना गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद में सर्च करना है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, ये स्पेलिंग लिख लो स्पेस के साथ, ध्यान रखना यही आपको टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद में सर्च करना, तो जैसे कि हम सर्च करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा स्लाइड करना, ठीक है। तो नीचे आपको कोविन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ये कोविन एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये देख लो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे, एक मिनट, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखना। तो इसके बाद में आपके सामने ये जो एंटर योर मोबाइल नंबर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करना जो फ़ोन आपके पास हो, उस पर एक OTP आएगा। तो सबसे पहले नंबर एंटर कर लो यहाँ पर, ठीक है, फिल कर लो। तो देख रहे हो जैसा कि मैं फिल कर रहा हूँ नंबर, ठीक है। नाइन सेवन वन डबल सेवन फाइव थ्री डबल सिक्स ज़ीरो, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, ठीक है, गेट OTP पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है, फिर आपके उस फ़ोन पर एक OTP आएगा, ठीक है, ध्यान रखना जो नंबर आपने यहाँ पर सबमिट किया उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये OTP आपका 3 मिनट के लिए वैलिड होगा, ठीक है, 3 मिनट के लिए टाइमिंग चलती रहेगी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये टाइमिंग चलती रहेगी। तो OTP यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर आपको OTP फिल करना है, एंटर OTP पर, ठीक है। तो OTP फिल कर रहे हैं हम, OTP है 710120 710120120, ठीक है। तो मैंने OTP डाल दिया है, डालने के बाद में यहाँ पर फिल करने के बाद में अब यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है। तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा स्लाइड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर मेंबर, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपका, सबसे पहले नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, फ़ोटो आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम लिख रहे हैं, वही नेम जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं आधार कार्ड में, आप देख लेना, ठीक है, ठीक है, नेम लिखना जो भी है, यहाँ पर डबल ए नहीं, सिंगल है, जैसे भी आधार कार्ड में वैसे आपको फिल करना है। तो मैंने ये लिख दिया आकाश, ठीक है। अब इसके बाद में मेल फीमेल चेक करना है, तो मेल है, ठीक है, सेम वैसे ही टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड में नंबर है, ठीक है, नाम है। ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, बार बार गलत होता है, तो पूरा आपको ईयर ऑफ बर्थ में पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर काफ़ी गलती होगी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ईयर लिखना है बस, जो भी साल है आपका, ठीक है ना, जिस ईयर में आप पैदा हुए थे। तो जैसा कि इसमें 2004, तो हमने 2004 यानी 2004 लिख दिया है, ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये फिल करना है। आगे फ़ोटो आईडी प्रूफ पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मान लो आपका आधार कार्ड नहीं है तो स्टूडेंट आईडी भी लगा सकते हो इसमें है, ठीक है। तो हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड इसमें क्लियर करेंगे आधार कार्ड के लिए, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, एक मिनट, यहाँ पर आपको आधार कार्ड फिल करना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ठीक है। तो ये आधार कार्ड पर मैंने, ये देखो आधार कार्ड का ऑप्शन है, आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद में नीचे आधार नंबर अब पूछ रहा है, तो यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दो जो भी आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर लिख रहे हैं 5379 5902 5904 0564 0564। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन है, ठीक है ना, रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान में रखना, तो इसके बाद में इस प्रकार से मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर फिर से OTP के बाद। ठीक है, जैसे लिखा डियर आकाश यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है ना, फॉर कोविड वैक्सीनेशन। ठीक है, रेफरेंस ID है और ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, ये तो रजिस्टर आपने कर दिया, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। अब आगे देखो, इसके बाद अगर मान लो आपको शेड्यूल फिट करना है आपको, ठीक है ना, कि किस प्रकार से आपको कहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना है, तो ये शेड्यूल पर ऑप्शन लेना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, फिर ये लिखा डोज फर्स्ट, तो यहाँ पर सर्च बाय पिन, ठीक है, ये लिखा है सर्च बाय पिन, यहाँ पर आपको इंटर योर पिन, जो भी पिन कोड है आपका, जैसे कि हम लिख रहे हैं हमारा गया 11 0034। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च पर ये देख लो, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद में नीचे देखो, यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर जो भी जगह आप वहाँ पर आप, ठीक है ना, कर सकते हो, ऑप्शन में ले सकते हो, और वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके जो भी अस्पताल नेम इधर आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर देख सकते हो और वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। तो जो भी है, मान लो हम यहाँ पर, ठीक है, ये 61 स्लॉट यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आप पूरा चेक कर लेना। अब एज में भी देख लो, एज के लिए ये 18 से अबव के लिए, ऊपर के लिए 15 to 18 के लिए, तो 15 to 18 पर क्लिक कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, इनके लिए जो भी है नीचे ऑप्शन में, ये सारी चीज़ें बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, अभी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब खाली होगी जगह, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ से टाइमिंग चूज़ कर लेना। टाइमिंग चूज़ करने के बाद में उस पर रजिस्टर कर देना, ठीक है ना, आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में आप इसकी फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में ले जाकर उस हॉस्पिटल में जहाँ पर आपने बुक किया है वहाँ पर दिखाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी सारी बुक है, ठीक है, तो एज लिमिट ज़रूर देख लेना 15 to 18। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था, आई होप सारा प्रोसेस आपके समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।